हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसका काफी समय से हमें इंतजार था, तो फाइनली आज नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो पसंद आए से लाइक जरूर से कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे नए नए रोजगार अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं किस पोस्ट पर वैकेंसी है, कहां से वैकेंसी आई है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1558 पदों पर एमटीएस और हवलदार की भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता किसमें 10वीं पास है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई 2023 है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं रोजगार इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम रोजगार इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस साइट का लिंक हमने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे सीधा इस पेज पर आ जाओगे। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पर, तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन आपको कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हैं ऑल इट जो में पहले ही नंबर पर आपको लिंक देखने को मिला होगा, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप सब न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसे रीड जरूर से कीजिएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एसएससी में मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल की भर्ती है और हवलदार की पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। इसमें एप्लीकेशन फीस जान लेते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस है। एससी एसटी या ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जो है वो देख सकते हो, जो आपकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो 30 जून से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट यहाँ पर 21 जुलाई 2023 है। फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, आप इसमें करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो करेक्शन की जो डेट है वो 26 से 28 जुलाई तक की है। इसमें करेक्शन भी आप करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट पर। तो मिनिमम एज आपके यहाँ पे 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 से 27 साल है। वो पोस्ट वाइज आपको आगे नोटिफिकेशन में बताएंगे। पोस्ट देख सकते हैं मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस के लिए देख सकते हैं 1198 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास मांगी गई है। हवलदार के लिए 360 पोस्ट है, इसमें आपकी 10वीं पास में क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ जो इसमें फिजिकल है वो बता देते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग है जो कि 15 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1 किलोमीटर की रनिंग है जो कि उन्हें 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। हाइट की बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर की इसमें हाइट मांगी गई है। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है 81 से 86 सेंटीमीटर की इसमें मांगी गई है। अब आ जाते हैं सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स पर। लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन करने का आपको देखने को मिला होगा, क्लिक करके आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सेकेंड नंबर नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन के लिए क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एसएससी की तरफ से भर्ती आ चुकी है। काफी समय से इंतजार था बट फाइनली आज इंतजार खत्म हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 30 जून से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट 21 जुलाई 2023 है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट उसकी डेट जो है वो 22 तारीख है, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को भी रीड जरूर से कर लें। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ किसी नई वीडियो में। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, प्यार देते रहिए, हम आपके लिए नई नई रोजगार वीडियो लाते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक जरूर से कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें।